तो ये प्लस 45 इसका मैक्सिमम हो गया। अब बाद में जब इसको रीपोलराइजेशन करना होगा फिर से, तो इस बार जो बैलेंस बनाया जाएगा, क्योंकि बाहर से सारे छोटे पॉइंट अंदर आ चुके हैं, बाहर नेगेटिव चार्ज हो चुका है, तो बाहर जाने के लिए चैनल खुलेगा तो, लेकिन सोडियम आयन का नहीं खुलेगा। बगल में इसके जैसे ये मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन के कई होते हैं, जैसे कि जैसे कि यहाँ पर ये सोडियम चैनल है और ये पोटेशियम चैनल है, साथ साथ है, पर मेम्ब्रेन में तो हम एक ही चीज का दिखा रहे थे। अब ये चैनल काम नहीं करेगा, सोडियम आयन सारे जितने थे अंदर बाहर का सारा मामला खत्म, पोटेशियम चैनल खुल जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए जो पोटेशियम चैनल खुलेगा ना, तो पोटेशियम चैनल अंदर था, अभी तक पोटेशियम आयन ये दिखा था पर अंदर की तरफ था, अब पोटेशियम आयन बाहर जाएगा चैनल में, ना कि सोडियम आयन। बैलेंस वापस नॉर्मल करने के लिए पोटेशियम आयन बाहर जाएगा। फिर ये कैसे नॉर्मल होगा, पहले जैसी कंडीशन कैसे आएगी, सोडियम आयन फिर से कैसे वापस वहां पहुंचेगा, इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड में बनते हैं लोग, वो फिर से नॉर्मल होगा, क्योंकि अभी बैलेंस कौन बना रहा है, पोटेशियम आयन बाहर जाके, क्योंकि सोडियम आयन सारे अंदर आ गए बाहर नेगेटिव हो गया, तो नॉर्मल कंडीशन करने के लिए पोटेशियम चैनल होता है, पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं। तो ये तो अभी इतना दिखाया मैंने मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ लर्निंग, बस अभी इसको हम